नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और स्वराज भारत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अभी मैं मोकामा प्रखंड कार्यालय में मौजूद हूं और यहां आप जो देख रहे हैं चारों तरफ मैं दृश्य दिखाने जा रहा हूं। यह जो भीड़ का दृश्य है, ये सभी जनता अपने जनप्रतिनिधि के नामांकन में आए हैं और बता दें कि आज मोकामा प्रखंड में नामांकन का दूसरा दिन है और यहाँ जो है जो जनता आई हुई है, इससे भी हम जानेंगे कि किस प्रतिनिधि को लेकर आए हैं और इस चुनाव में खास क्या सोच के रखे हैं, इनके क्षेत्र में क्या कमियां, इस पर भी हम चर्चा। क्या नाम है मामा आपका? सुलक्षणा दे। कहाँ से आए हैं? वहाँ कसहा पंचायत से। कसहा पंचायत से, हाँ, किस लिए? नॉमिनेशन में। किनका नॉमिनेशन? कथी नाम है? नाम नहीं पता है। अशोक के। अशोक जात है। आपके जात के हैं? हमके बड़ा है भैंसुर के लड़का। तो क्या मकसद है इस बार, क्या आपके क्षेत्र में विकास विकास हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक साल अभी कुछ नहीं हुआ है, पहले पहले ठहराई हुआ है। पहले पहले पहला मुखिया कुछ नहीं किया है। पहला मुखिया कुछ नहीं किया है, उम्मीद है कि करेंगे? अपने वोट दे उम्मीद है। चलिए, और भी जनता अलग अलग पंचायतों से आए हुए हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है वो आपका? दीपू रंजन। दीपू रंजन। दीपू रंजन कहाँ से आए हैं? कन्हाईपुर पंचायत से। कन्हाईपुर पंचायत से जी। किस प्रतिनिधि के लिए? नीलम देवी है। नीलम देवी है। नीलम देवी किस पद पर? मुखिया पद पर है। मुखिया पद पर जी। निर्मला देवी है। निर्मला देवी। निर्मला देवी, मतलब नाम में भी अभी तक कंफ्यूजन है? नहीं, गलती हो गया। गलती हो गया जी। तो मतलब नामांकन में आए, मतलब क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं? कुछ व्यवस्था पर? व्यवस्था मतलब क्या करेंगे? मतलब सपोर्ट में आए? समर्थन में आए हैं। समर्थन में आए हैं। खर्चा उर्चा भी मिला? नहीं, खर्चा क्या मिलेगा। कितने की संख्या में लोग आए हैं नामांकन के लिए? 100-200 का है संख्या। 100-200 का? नियम तो ये नहीं कहता है कि 100-200 आने के लिए, फिर भी आए हम लोग समर्थन में आए हैं। खर्चा वर्चा पर नहीं आए हैं। खर्चा वर्चा पर नहीं आए जी? नहीं। प्रशासन का डर नहीं था कि मतलब नामांकन में इतने संख्या में नहीं आने का? फिर भी तो हर एक पंचायत से तो भीड़ है ही। एगो कन्हाईपुर पंचायत से थोड़ो है, सभी गलत करेंगे तो हम भी गलत कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, शौक था हम लोग को आने का। शौक था आने का जी। किस पंचायत से हैं? मालपुर पंचायत। मालपुर पंचायत से। किनके लिए आए हैं? वार्ड सदस्य का नाम। वार्ड सदस्य के लिए। क्या नाम है वार्ड सदस्य का? दीना तोती। क्या? दीनू तोती। दीनू तोती ताती। अच्छा, ये बताइए मालपुर आपके पंचायत में क्या विकास हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ विकास हुआ है? पहले भी मतलब वार्ड सदस्य थे, रह चुके हैं? हाँ, रह चुके हैं। तो कितना खर्चा दिया है आने का? खर्चा क्या देंगे, तो सपोर्ट में आए हैं। सपोर्ट में आए हैं। कोई खर्चा नहीं? कोई खर्चा नहीं। तो देख रहे हैं, ये सभी अलग अलग जनप्रतिनिधियों को लेकर प्रखंड कार्यालय आए हैं। कोई 100 की संख्या में, तो कोई 200 की संख्या में, तो कोई 500 की संख्या में। कोई मोटरसाइकिल जुलूस दिखा रहा है, तो कोई बड़े बड़े गाड़ियों का जुलूस दिखा रहा है। सभी मतलब जो है जनता को दिखाने में आगे चल रहे हैं। तो देखिए, क्या नाम है चाची आपका? क्या नाम है? कृष्णा। क्या? कृष्णा देवी। कृष्णा देवी कहाँ से हैं? डुमरा दीरा से। डुमरा से, कसहा से। किनके लिए आए हैं? अशोक के। अशोक के लिए। कितने लोग आए हैं अशोक के सपोर्ट में? कितना लोग भाई? 1 लाख आए हैं और 10,000 बचे हुए हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम संदीप कुमार हुआ। कहाँ से? हम लोग हथदा बुजुर्ग पंचायत से आए हैं। किनके लिए? हम आए वार्ड पार्षद, हमारे चाबू भैया वार्ड नंबर 8 के जीते हुए प्रत्याशी हैं। जीते हुए कैसे, आप ही मतलब रिजल्ट दे जाएगा? जी नहीं, प्रीवियस ईयर में वो जीते हुए हैं, इस बार अपना नामांकन करवाए। नामांकन करवाए जी। काम हुआ है उनके तरफ से कि नहीं? बहुत काम किए हैं, हमको इस बार भी वही चाहिए। प्रत्यक्ष में इनके कोई नहीं, अकेला एक है चाबू भैया। चाबू भैया जिंदाबाद। हमारे साथ सिर्फ यंग ब्लड है, एक भी बुजुर्ग नहीं। वो जान रहे हैं ये जीते हुए हैं, इसीलिए सिर्फ यंग ब्लड आए हैं। चले, युवा हैं ये, अपने जनप्रतिनिधि को लेकर आए हैं। या जो भीड़ देख रहे हैं, सभी अपने अपने प्रतिनिधि को लेकर जो है नामांकन के लिए आए हैं और नामांकन का दूसरा दिन है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सकलदेव सिंह। सकलदेव सिंह कहाँ से हैं? कसहा पंचायत। कसहा पंचायत से। किनके लिए आए हैं? दिवाकर मुखिया में खड़ा है उसी के लिए। दिवाकर मुखिया में खड़ा है। तो क्या लगता है इस बार? इसका तो अच्छा वोट है।
अच्छा वोट है। हाँ। वर्तमान मुखिया जो है? वर्तमान मुखिया है वहाँ का सीतारामपुर। काम किए हैं कि नहीं? काम किए हैं। काम किए हैं? काम किए हैं पक्का। तो फिर तो ये कैसे जीतेंगे काम किए हैं तो? इसलिए कि वो मुखिया जी मर गए जो थे। मुखिया जी मर गए हैं? लेडीज थे, मम्मी था। तो उनके विरोध में ये हैं? हाँ उनके विरोध। चलिए तो हमने यहाँ आए हुए नामांकन में जनप्रतिनिधियों के साथ जो जनता आई उनसे बात किया, वो सभी जनप्रतिनिधि को लेकर आए हैं, सभी अलग अलग पंचायतों से आए हैं और सभी ने अपना बात रखा। क्या कुछ विकास हुआ है, क्या विकास नहीं हुआ, इस पर भी चर्चा हुआ। आगे भी इसी तरह की तमाम खबरों से हम आपको अवगत करवाएंगे। आप देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।